नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। रतलाम रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को लोकार्पित की गई लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को रेल प्रशासन ने रात में हटा लिया। अब सरदार पटेल की प्रतिमा के स्थान पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को जन्म जयंती थी। इस मौके पर कल रतलाम रेल मंडल प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्क्रैप से निर्मित एक प्रतिमा स्थापित कर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक ए.के. गुप्ता के हाथों से लोकार्पित करवाई गई थी। लेकिन इस प्रतिमा को लेकर शहरवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। आक्रोश की वजह थी प्रतिमा का चेहरा कहीं से कहीं तक सरदार पटेल जैसा नहीं होना था। शहरवासियों के आक्रोश और रेल प्रशासन के इस अदूरदर्शी कदम को एएन टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाया था। इसका असर यह हुआ कि मंडल रेल प्रशासन ने गुरुवार की रात्रि को इस प्रतिमा को हटाकर उसके स्थान पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस पूरे मामले में मंडल रेल प्रबंधक आरएन सुनकर से उनका पक्ष जानने के लिए उनको मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे ऐसा लगता है कि मंडल रेल प्रशासन से हुई इस बड़ी गलती पर अब मंडल रेल प्रशासन के मुखिया मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। शर्मा जी, कल एक मामला हुआ था सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर, आपने भी कल निंदा की थी और कानूनी कार्रवाई की बात की थी। आपकी प्रतिमा हटा ली गई, क्या कहेंगे आप? ये क्या माफ कर दिया उनको अपने या कुछ और आपका एक्शन जारी रहेगा? देखिए, कल जब इस प्रतिमा का लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन हुआ, उसी समय से हम सभी ने जाके देखा कि वास्तव में ये नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। एक मजाक बनाकर जिस तरह प्रतिमा का अनावरण किया, वह भी रेलवे के आला अधिकारियों ने, जीएम ने स्वयं पुष्पहार चढ़ाए, तो एक सामान्य बुद्धि सामान्य प्रज्ञा की बात है कि रेलवे के अधिकारियों को इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किसी चीज को महापुरुष की गिनती में लेकर आ रहे हैं और उससे नागरिकों की भावनाएं जुड़ी है। एक एजुकेशन पर्पज से भी हम शिक्षाप्रद चीजों को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसकी वास्तविकता और उसकी एक रिलेवेंसी होनी चाहिए। मैं इस समझने से मतलब नहीं समझ पाया इस बात को कि जीएम लेवल के अधिकारी जब उस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तब एक कॉमन प्रूडेंस में उनको ये समझना चाहिए था कि जिस मूर्ति को एक पुतले के रूप में रखा गया है, वास्तविक रूप में कोई बच्चा भी उसको ये नहीं समझ सकता कि ये लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, तो उन्हें उसको अनावरण करने से पहले ये तय करना था कि क्या यह हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या हमने जो इस मुद्दे को उठाया कि हम भारतीय संविधान की गरिमा के खिलाफ ये जो काम किया है उसके लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, नागरिकों ने भी इसका सपोर्ट किया, सभी आपके अंबर नेटवर्क ने इसको प्रमुखता से उठाया कल, और मैं देख रहा था कि पूरे शहर में इसकी चर्चा थी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह सोशल मीडिया में भी लोगों ने इसका आक्रोश उठाया। तो आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद जो है उन्हें अपनी मूर्ति को हटाना पड़ा। अब लोह पुरुष की मूर्ति को हटाना यानी ये साबित करता है कि उन्होंने अपनी गलती एक हद तक मानी कि हमने कहीं ना कहीं कोई ऐसा कदम उठाया जो नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, लेकिन केवल इस गलती को सुधारने के लिए मूर्ति को हटा देना पर्याप्त नहीं है। हमारा आक्रोश ये है कि जब रेलवे के आला अधिकारी, जीएम लेवल के, रतलाम रेल मंडल एक प्रमुख रेल मंडल है पूरे भारत का, हम ये मानते हैं कि आप नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिस तरह कार्य करते हैं, आपकी जो कार्य प्रणाली है वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है कि लोह पुरुष की एक प्रतिमा जिसका आप अनावरण करना चाह रहे हैं, जनता के लिए करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी इतनी संकुचित समझ है, इतनी समझ नहीं है कि हम कम से कम पहले उसको देख लें कि क्या वास्तव में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहलाने लायक है या नहीं है, तो लाखों लाख नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपके काम करने का ढंग क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे एडवोकेट जो है इस आपकी कार्यप्रणाली, जो रेलवे की कार्यप्रणाली है, उसको संदेह की नजर से देखते हैं कि जब आला अधिकारी इस तरीके की बचकाना हरकतें करेंगे तो नागरिकों के लिए सुरक्षा के जो उपाय अपनाने के लिए जो कार्य करते हैं उसका स्तर क्या होता होगा।
अब आप क्या कदम क्या उठा रहे हैं? हम इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए हैं। आपने यदि गलती सुधारी है तो उसके लिए हमें कोई उससे वो नहीं है, आपने अपनी गलती सुधारी होगी। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण एक पुतले के रूप में करना ये निश्चित रूप से जन भावना के साथ खिलवाड़ है। वो चूंकि एक देश के जाने माने अधिवक्ता थे, संविधान विशेषज्ञ थे, हमारा आक्रोश आपकी मूर्ति हटाने से कम नहीं होता है। हम इसके लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपयोग करके और इसकी कार्रवाई अवश्य करेंगे, क्योंकि इस मूर्ति के स्थापन में जनता का पैसा अपव्यय हुआ है। मैं इस खबर को प्रमुखता से बताने के लिए एंड टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस लौह पुरुष जी की प्रतिमा का जो अपमान हो रहा था उसकी खबर को प्रमुखता से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने भी आंगनवाड़ियों में अंडा दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, जिनको अंडा खाना है खाए, जिनको नहीं खाना है नहीं खाए। श्री यादव आज रतलाम में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। वे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रतलाम आए थे। देखिए, ये जहाँ तक अंडा परोसने की बात है, मैं समझता हूँ कि वो आज हमारे भोजन का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। और जहाँ तक जो लोग उसका सेवन नहीं करना चाहते, वो जो है उसके लिए कोई उसकी बाध्यता नहीं है कि उनको जो है उसका सेवन करना पड़ेगा। और लोग बच्चे जो है अपने उनके बच्चे उनके माता पिता जो है इसके लिए उनको पूरी आज़ादी है कि अगर वो चाहे तो उसको ग्रहण करे, चाहे तो नहीं। 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा प्रदेश सरकार पर अगर अंडा बढ़ते एक साल 80 करोड़ रुपए तो काफी। मैं समझता हूँ कि हमें राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए, बजट की चिंता नहीं करनी, हमें चिंता करनी चाहिए वो हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे जो देश का भविष्य है, जो कहीं ना कहीं कुपोषण के कारण जो है स्वयं जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही नहीं, इसके साथ साथ जो उनके परिवार हैं, उनके परिवार के लोगों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से जो है आज हम जिस युग में जी रहे हैं और जिस तेजी से हमारा देश, हमारा प्रदेश जो है उन्नति और तरक्की कर रहा है, और उसमें अगर कुपोषण जैसे अगर कोई कोई समस्या अगर आज भी अगर निर्मित है तो निश्चित रूप से। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 29 में से भाजपा के 28 सांसद हैं, लेकिन एक की भी सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि केंद्र से जारी करने के लिए पहल नहीं की। यह गलत राजनीति है। किसान प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित है और केंद्र सरकार प्रभावितों की मदद के लिए राहत राशि भी नहीं दे रही। सीएम कमलनाथ के साथ मीटिंग के दौरान भी कई मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और बिहार में अतिवृष्टि प्रभावितों की मदद के लिए राशि जारी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के हिस्से का बाढ़ आपदा प्रकोप का राशि आवंटन लटका है। कृषि मंत्री ने राज्य सरकार के अभी तक के 10 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी बताया। देखिए, ऋण माफी की जो योजना है कोई छोटी मोटी योजना नहीं, ये बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हमारी सरकार ने लिया है। प्रदेश में अगर ऋण माफी हुई है तो 2 बार, एक बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब 72 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम किया, और उस मंत्रिमंडल में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंत्रिमंडल का भी हिस्सा थे, और दूसरी बार अगर प्रदेश में ऋण माफी हुई है तो उन्हीं के नेतृत्व में हुई है। आस्था हृदय स्थल माँ काली का माता मंदिर शुक्रवार को 56 भोग व्यंजनों से महक गया। माता रानी के भक्तों ने अन्नकूट का आयोजन किया और माता की आरती कर 56 व्यंजन समर्पित किए। आरती के बाद हजारों हजार भक्त ने प्रसादी ग्रहण की। देर शाम तक कालिका माता मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही।
जयंती शहर में संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। गुरुवार की शाम 2 बजे स्थित चौपाटी पर जिला प्रशासन ने समारोह आयोजित किया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर SP गौरव तिवारी, जिला पंचायत CEO संदीप करपोटा, निगम आयुक्त SK सिंह सहित अधिकारी मंचासीन रहे। स्कूली बच्चों ने राष्ट्र गीत की प्रस्तुति दी। स्कूली बच्चों और नागरिकों ने संकल्प रैली निकाली। सरदार पटेल की जयंती पर देर शाम तक अलग अलग आयोजन भी हुए। नवंबर 1956 से अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश राज्य का 64वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह का मुख्य आयोजन जिला प्रभारी मंत्री सचिन यादव के आतिथ्य में पुलिस लाइन में मनाया गया। ध्वजारोहण और मध्य प्रदेश गान के बाद पुलिस जवानों का मार्च पास सलामी मंच के सामने से गुजरा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन आज के कार्यक्रम के माध्यम से अतिथि महोदय। जिला प्रभारी मंत्री यादव ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस का जश्न मनाते हुए स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बाद में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वालों को जिला प्रशासन ने पुरस्कृत भी किया। समारोह में कलेक्टर रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अमला एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से